हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडीज कर रहे हैं, परमाणु संरचना के अध्ययन कर रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर से पहले हमने एटम के बारे में, जो स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडीज़ की थी, अलग अलग वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जो भी उनके पास नॉलेज था, जो भी उनके पास इन्फॉर्मेशन थी, उसके अकॉर्डिंग इसको समझाने की कोशिश की। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज हम बात करेंगे किसकी करेंगे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है उसकी हम बात करेंगे। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे चलेंगे किसके साथ में चलेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के साथ में। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है एटॉमिक मॉडल का क्या है, इसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है डेवलप हुआ है, इस डेवलपमेंट में टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो होता है रोल प्ले करता है इसके एक्सप्लेनेशन के लिए। इसको समझने के लिए, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझने से पहले या इस मॉडल को समझाने में दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक होता है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर और सेकंड जो होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अपन इसमें लिखेंगे, देर आर टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आर प्ले रोल इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में टू इम्पॉर्टेंट रोल जो है, टू डेवलपमेंट जो होता है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो डेवलपमेंट कौन है, एक है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। फर्स्ट चीज है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, और सेकेंड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यस, हम यहाँ पे फर्स्ट बात करेंगे किसकी, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर की। सो लेट्स गो, फर्स्ट वी स्टार्ट ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसने दिया था, स्पेसिफिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड इसके एप्लीकेशन वगैरह जो है यूजली हमें क्वेश्चन जो है पूछने को देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट अपन कंसिडर करें इसमें ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर है, सबसे फर्स्ट टाइम जो है ड्यूलिटीज़ को दिया था, किसने दिया था, डी ब्रोगली ने दिया था, इंट्रोड्यूस किया था ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, दैट इज मैटर की ड्यूलिटी के बारे में एक्सप्लेन किया था, किसने किया था, डी ब्रोगली ने। साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, और कब दिया था, इन 1924 में। एक्सप्लेन अबाउट द ड्यूलिटी या ड्यूल नेचर ऑफ मैटर वॉज डी ब्रोगली इन 1924। अकॉर्डिंग टू ब्रोगली एनी मूविंग पार्टिकल्स हैज वेव एंड पार्टिकल नेचर। कोई भी मैटर का मूविंग पार्टिकल्स होता है वेव एंड पार्टिकल नेचर रखता है। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर गिवन बाय डी ब्रोगली इन 1924। मॉडल कब दिया था, मॉडल दैट मीन्स कॉन्सेप्ट जो है ड्यूलिटी का कब दिया था, 1924 में दिया था, और किसने दिया था, डी ब्रोगली ने। इसका मीनिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू ड्यूल नेचर एनी मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। Have waves as well as p
पार्टिकल नेचर। कोई भी मूविंग पार्टिकल जो होता है वेव और पार्टिकल नेचर रखता है, यानी वेव और पार्टिकल के फॉर्म में क्या करता है, मूव करता है। ये डी ब्रोगली ने बताया था और यही ड्यूलिटीज होती है। ड्यूलिटी का मीनिंग होता है डबल, डबल का मीनिंग होता है एक होती है वेव नेचर और दूसरी क्या होती है पार्टिकल नेचर। कंडीशन हम क्या अप्लाई करेंगे, पार्टिकल कैसा होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए, डायनामिक पार्टिकल्स होना चाहिए, रेस्ट स्टेट में पार्टिकल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डी ब्रोगली ने ड्यूलिटी के अकॉर्डिंग जो है एक रिलेशन दिया था, एक इक्वेशन दी थी मूविंग पार्टिकल्स है या पार्टिकल के जो मोमेंटम उससे रिगार्डिंग डी ब्रोगली इक्वेशन क्या बनती है, लैम्डा इज इक्वल क्या होता है एच अपॉन एम वी, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं एच अपॉन क्या लिखेंगे पी पी, यहाँ पे क्या है मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। यहाँ पे मोमेंटम जो होता है रिलेटेड होता है किससे, होता है पार्टिकल नेचर से। ये पार्टिकल नेचर को इंडिकेट कर रहा है और ये पार्टिकल नेचर शो करता है, ये क्या करता है वेव नेचर को शो करता है। वेवलेंथ होती है किससे रिलेटेड होती है, वेव से रिलेटेड होती है, तो ये वेव नेचर को शो करता है और ये क्या करता है पार्टिकल नेचर को शो करता है। मोमेंटम पार्टिकल नेचर एंड वेवलेंथ रिलेटेड टू वेव, ड्यू टू दिस रीजन दिस इज रिलेटेड टू वेव, वेव नेचर। तो ये हमें लर्न रखना है। अब डी ब्रोगली इक्वेशन जो होती है, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन कौन सी होती है। तो ये इस इक्वेशन को हम बोलेंगे ब्रोगली इक्वेशन, कह सकते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन कहेंगे। दिस इक्वेशन इज नोन एज अ डी ब्रोगली इक्वेशन। एच में पता है प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कई लेक्चर में। एच इज इक्वल 6.626 इंटू 10 दी पावर माइनस 34 जूल सेकंड होता है। एम होता है मास ऑफ पार्टिकल्स है, जो मूविंग पार्टिकल्स उसकी बात करें अपन। वी क्या है स्पीड ऑफ पार्टिकल जो है, जो स्पीड वी जो है पार्टिकल की स्पीड की बात करेंगे, इसके वेलोसिटी की हम बात करेंगे। पी अगर हमने दे रखा था मोमेंटम के फॉर्म में कंसिडर करेंगे। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। अगर हम यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस देखें डी ब्रोगली इक्वेशन की, ड्यूल नेचर में डी ब्रोगली ने जो इक्वेशन दी है इसकी अगर अपन सिग्निफिकेंस की बात करें, इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये थ्योरेटिकली तो माइक्रो एंड मैक्रो इसको भी पार्टिकल्स होते हैं दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है, बट प्रैक्टिकली ओनली माइक्रोस्कोपी पार्टिकल्स होता है उसके लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें थ्योरेटिकली, तो आपको ध्यान रखना है थ्योरी के फॉर्म हम कह सकते हैं कोई भी एनी मूविंग पार्टिकल्स उसके लिए अपन डी ब्रोगली इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, ड्यूलिटी को शो अपन कर सकते हैं। बट जब इसकी अपन कैलकुलेशन करते हैं प्रैक्टिकली करते हैं, तो बड़ा पार्टिकल्स होता है जैसे क्रिकेट बॉल की मैंने बात की 100 ग्राम की, तो इसका जो वेवलेंथ आती है बहुत ही कम आती है। इसकी वेवलेंथ मिलेगी वो क्या मिलेगी, बहुत ही कम मिलती है, तो नॉन मेजरेबल होती है। तो प्रैक्टिकली तो हम इसको अप्लाई करते हैं किसके लिए करते हैं, माइक्रोस्कोपी पार्टिकल्स होते हैं सच एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह वगैरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनकी हम बात करेंगे। और थ्योरेटिकली जो है दोनों पार्टिकल्स होते हैं, दोनों टाइप्स के माइक्रो एंड मैक्रो पार्टिकल्स दोनों के लिए इसको अप्लाई करते हैं। ये इसका सिग्निफिकेंस है, किसका डी ब्रोगली इक्वेशन कैसे है, जो इक्वेशन है इसकी अपन बात करेंगे सिग्निफिकेंस की। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ उसकी, इसका मैं एस्टिमेशन अपन कैसे करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसका अपन एस्टिमेशन कैसे करते हैं, निर्धारण कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कभी कभार हमें इस फॉर्म में दूसरा जो फॉर्मूला दिया होता है उसकी हम बात करेंगे। एस्टिमेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ सपोज हम कंसिडर कर रहे हैं कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, मूव अंडर एक्सेलरेशन। कोई भी चार्ज पार्टिकल्स हम क्या कर रहे हैं मूविंग पार्टिकल्स है वो एक्सेलरेट हो रहा है अंडर वी पोटेंशियल, कोई पोटेंशियल है विभवांतर जिसको अपन बोलते हैं या वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उस पार्टिकल की मोशन जो क्या है उसकी हम बात कर रहे हैं।
लेट बी अ पार्टिकल्स एक्सेलरेट अंडर, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसको अपन समझ रहे हैं. लेट बी अ चार्ज पार्टिकल्स इज मूव अंडर acceleration by applying V voltage. कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल में मैं इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकता हूँ. उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जब वी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल क्या हो रहा है, एक्सेलरेट होता है. एक्सेलरेट होता है उस केस में मूव करता है. मूविंग पार्टिकल से संबंधित क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी. तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एंड देयर काइनेटिक एनर्जी इज, ये मूविंग पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, देन देयर काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल अपन क्या लेंगे. मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ या फिर चार्ज पार्टिकल की अगर बात करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे मास लिया इलेक्ट्रॉन का, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है. और ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, जिस वोल्टेज के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव कर रहा है, दैट पी सी इस विभवांतर इस वोल्टेज के इक्विवेलेंट होगी. तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी वी इज इक्वल हम क्या लेंगे, 1/2 एम ई वी स्क्वायर. ये वी जो है क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है. जो अपन वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं. तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको अगर मैं इक्वेशन 1 कहूँ, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूं, हमें क्या देखना है, हमें देखना है ये मूविंग इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी. तो वेलोसिटी इज इक्वल हमें क्या मिलेगा, वी इज इक्वल टू 2V, ये क्या है, वोल्टेज को शो करता है, अपॉन में क्या आएगा, एम ई. ये हमारा क्या मिलेगा, स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, मूव अंडर वी वोल्टेज. वी वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन जब स्पीड मूव करता है उसकी स्पीड है ये, स्पीड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन. अब हम डी ब्रोगली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे. डी ब्रोगली इक्वेशन क्या कहती है, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल क्या होता है, एच अपॉन एम वी. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ब्रोगली इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, स्पीड है, स्पीड की जगह हम इसको पुट करेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू. यहाँ पे वी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ में, बिकॉज हमें वेवलेंथ का एस्टिमेशन करना है, डिटर्मिनेशन करना है. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ वी इन ब्रोगली इक्वेशन या ब्रोगली रिलेशन v की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2V mE 1/2. तो मास से मास क्या हो जाएगा, हाँ कैंसिल नहीं होगा सॉरी, क्योंकि ये 1/2 के फॉर्म है. जब हम यहाँ पे क्या करें, इन सभी की वैल्यू को पुट करते हैं, एम यहाँ पे क्या होता है, एम हेयर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, वी विभवांतर कंसिडर करें, वोल्टेज कंसिडर करें, इसको 1 के फॉर्म में कंसिडर करें, जो भी है ये नहीं पता हमें, कितना अप्लाई किया वो हमें कंडीशन दी होती है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सभी की वैल्यू को हम जब सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास वेवलेंथ जो मिलेगी क्या मिलेगी, लैम्डा इज इक्वल टू 1.462×10⁻¹226×10⁻¹ ये क्या आएगा, विभवांतर वोल्टेज आएगा. ये हमने किया क्या है, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन का क्या किया है, एस्टिमेशन किया, इसका डिटर्मिनेशन किया है, एस्टिमेशन कह सकते हैं, इसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं. और यूनिट क्या आएगी, मीटर में आएगी, क्योंकि वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं.
तो जरूरी नहीं आपको डी ब्रोगली में वेवलेंथ डायरेक्टली इसी फॉर्म में पूछी जाए। आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है कि आप इस वोल्टेज के अंदर जो है कोई इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है, तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा को कैलकुलेट करिए। तो हमें इसकी जगह कभी एक बार इस फॉर्मूले के द्वारा भी वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकते हैं। जब भी आपको क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, वोल्टेज आपको दे रखी है, उस केस में हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को याद रखना है, इस रिलेशन को याद करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम वेवलेंथ की कैलकुलेशन करेंगे। ये सब वैल्यूज कहाँ आई, हमने कैसे क्या किया है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया है, और ये वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन होती है, तो ये हमारा क्या रहेगा, एस्टिमेशन हमने किया है, डिटर्मिनेशन किया है किसका, ब्रोगली वेवलेंथ का। यस, तो ये मॉडर्न कंसेप्ट जो है एटम का, उसमें ब्रोगली ड्यूल नेचर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें अपन ने ब्रोगली ड्यूल नेचर के बारे में स्टडीज की अभी अपने। अब हम बात करेंगे किसकी करेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत इसको बोलते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसकी हम बात कर रहे हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग के साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने ही दिया था, हाइजेनबर्ग ने दिया था, और कब दिया था, इन 1927। ब्रोगली ने 1924 में ड्यूलिटी नेचर कंसेप्ट दिया था, और हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, कब दिया था, 1927 में दिया था। अनसर्टेनिटी का मीनिंग होता है नॉट फिक्स्ड, क्या फिक्स्ड नहीं है उसकी हम बात करें, अनसर्टेनिटी का मीनिंग होता है नॉट एक्यूरेट, नॉट फिक्स्ड, नॉन एक्यूरेसी कहेंगे इसको, नॉन एक्यूरेसी कहिए या नॉट फिक्स कहेंगे। किसमें एक्यूरेसी नहीं, पोजीशन एंड वेलोसिटी कहेंगे या मोमेंटम कहेंगे। किसमें अनसर्टेनिटी, पोजीशन एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी कह सकते हैं, वेलोसिटी से किससे रिलेटेड है, मोमेंटम से, तो अपन मोमेंटम कह सकते हैं। किसकी पोजिशन और मोमेंटम एक्यूरेसी, उसमें एक्यूरेसी नहीं मिलती है, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। किसकी बात करेंगे, मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे। और पार्टिकल कैसा होना चाहिए, सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, ओनली एंड ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होना चाहिए। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मीनिंग क्या होता है, छोटा सा नन्ना पार्टिकल, माइक्रो यानी नन्ना, मैक्रो यानी बड़ा, तो नन्ना पार्टिकल जो था उसके लिए ही लागू होता है। पार्टिकल कैसा होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए, चार्ज भी होना चाहिए उसके ऊपर, और छोटा होना चाहिए। इस प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के लिए उसकी पोजिशन, उसकी स्थिति और उसका वेलोसिटीज होती है, इन दोनों को एक ही समय यहाँ पर ध्यान रखना है, सेम टाइम की बात करेंगे हम, सेम टाइम पे इन दोनों को एक ही साथ एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते। अगर एक ही मेजरिटी यहाँ पे मेजरमेंट में ज़्यादा एक्यूरेसी है, तो दूसरा जो है उसमें उतनी ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी, अनिश्चितता रहेगी, वो उतना ही कम एक्यूरेट रहेगा। इसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने। तो इस प्रिंसिपल को अपन थियोरेटिकली लिखे तो कैसे लिखेंगे, इसकी हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, द पोजिशन एंड मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ एन मूविंग पार्टिकल्स इज नॉट मेजर एक्यूरेसली एट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस की मीनिंग होता है सेम टाइम। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, एट साइमल्टेनियसली दैट मीन सेम टाइम पोजिशन एंड
मोमेंटम दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी की हम बात करेंगे। वेलोसिटीज बोथ आर नॉट एक्यूरेटली मेजर, नॉट एग्जैक्टली कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली मेजर। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली मेजर करते हैं, एक का मीनिंग होता है पोजीशन को अपने सही से मेजर कर दिया तो उसका जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम या वेलोसिटी होती है वो उतनी ही उसमें ज़्यादा एरर रहेगी, उतनी ही वो अनएक्यूरेट रहेगी। और ये रिलेशन उसने दिया था किसके अकॉर्डिंग दिया, क्या दिया था उसका रिलेशन, ये था डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये रिलेशन मिला था, क्या मिला था, डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। डेल एक्स का मीनिंग होता है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, एंड डेल वी क्या है, अनसर्टेनिटी। डेल वी की बात करेंगे, डेल पी आगे अपन इसको मॉडिफाई करते हैं। डेल पी क्या है, अनसर्टेनिटी मोमेंटम। इस फॉर्मूले को, बिकॉज हम जानते हैं कि मोमेंटम जो होता है क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी होता है, तो यहां पे इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले भी कंसिडर कर सकते हैं, डेल एक्स डॉट एम डेल वी, बिकॉज मास तो होता है, मास तो कांस्टेंट रहता है, कोई भी पार्टिकल जो होता है उसका मास कांस्टेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन ले रहे तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं। अब हमें पूछा कि इसमें अगर हम मैथमेटिकली इसकी कैलकुलेशन करें किसकी, अनसर्टेनिटी पोजीशन, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को अपन फाइंड आउट करना है न्यूमेरिकली के फॉर्म में, जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग, तो कैसा आएगा, क्या आएगा, एच अपॉन 4 पाई एम डेल वी, या फिर हम क्या करते हैं अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी की मैं बात करता हूँ, क्या मिलेगा, डेल वी इज इक्वल क्या लेंगे, एच अपॉन 4 पाई एम डेल एक्स, या फिर हमें पूछा कि मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या रहेगी, तो अपन क्या लिखेंगे, डेल पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल एक्स। किसी भी फॉर्म में हमें क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। डेल एक्स यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल पी क्या है, अनसर्टेनिटी मोमेंटम है, और डेल वी की हम बात करें तो क्या मिलेगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसमें अनसर्टेनिटी, एम यहाँ पे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जो भी पार्टिकल अपन कंसिडर कर रहे हैं, हम यहाँ पे चार्ज बॉडी की बात कर रहे हैं उसकी हम बात करेंगे। अब हम इसके अगर सिग्निफिकेंट की बात करें किसके, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की, सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये ओनली ओनली मूविंग पार्टिकल्स और माइक्रोस्कोपी पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपी पार्टिकल्स के लिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ओनली ओनली एप्लीकेबल फॉर मूविंग माइक्रोस्कोपी पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन प्रोटोन, और पार्टिकल कैसा होना चाहिए, चार्ज भी, चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, उसके ऊपर चार्ज भी होना चाहिए। जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके लिए इसको अप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनमें जो अनसर्टेनिटी मिलती है उतनी ही ज़्यादा मिलती है, यानी इसको मेजर नहीं कर सकते, उसकी वैल्यूज होती है बहुत ही कम मिलती है, उनकी वैल्यूज मिलती है, क्या मिलती है, बहुत ही कम मिलती है, इस वजह से इसको अपन उनमें कंसिडर नहीं करते। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, एक बार दोबारा समझ लो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल है उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी एंड उसकी पोजीशन को
एक्यूरेटली एक ही टाइम दोनों को एक साथ साथ मेजर नहीं कर सकते। अगर हमने पोजीशन में जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी से मेजर की है पोजीशन को, तो उसका मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी उसमें उतनी ही ज़्यादा अनएक्यूरेसी रहेगी। और वेलोसिटी को अपने एक्यूरेटली मेजर कर दिया है तो उसकी पोजीशन में उतनी ही ज़्यादा अनएक्यूरेसी रहेगी। एक जितना आप सही सही ज्ञात करोगे, दूसरा उतना ही क्या रहेगा, एरर वाला रहेगा। ये होता है अनिश्चितता का सिद्धांत। इसका मतलब पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक ही टाइम, दोनों को एक ही टाइम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते एक साथ। यस, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये होता है, ये मूविंग चार्ज पार्टिकल्स है उसके लिए ही एप्लीकेबल होता है। माइक्रोस्कोपी पार्टिकल है उसकी हम बात करेंगे, बिगर पार्टिकल्स लार्ज पार्टिकल उनके लिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसके लिए जो वेवलेंथ आएगी या फिर इसका जो मोमेंटम है, अनसर्टेनिटी मोमेंटम में है, पोजिशन में है, वेलोसिटी में है, ये क्या मिलेगा? बहुत ही माइन्यूट वैल्यू मिलेगी जिसको अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। थ्योरेटिकली तो चलो आपने वैल्यू पुट कर दी है, हमने बता दिया कि ये इसकी वैल्यू ये मिल रही है, लेकिन हमने जो यहाँ पे थ्योरेटिकली जो वैल्यू फाइंड आउट की है उसको प्रैक्टिकली हमें मेजर करना है। तो प्रैक्टिकली हम इस प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बना है कि इतनी छोटी सी छोटी वैल्यू को हम मेजर कर सकें। तो ये क्या है? इसका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इससे पहले हमने पढ़ा था डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ी थी जो ड्यूल नेचर को शो करता है। ड्यूल नेचर का मीनिंग होता है डबल नेचर, डबल का मीनिंग होता है कोई भी मूविंग पार्टिकल्स वेव एंड पार्टिकल नेचर रखता है। कोई भी मूविंग पार्टिकल्स वेव के फॉर्म में ऐसे मूव करता है और पार्टिकल नेचर में के रूप में भी मूवमेंट करता है। ये ड्यूल नेचर है। किसने दी थी? डी ब्रोगली ने। कब दी थी? 1924 में। और दूसरा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कब दिया था? 1927 में दिया था। तो काफ़ी ये टॉपिक जो है आज के अपन ने जो पढ़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एक बार वापस मैं आपको रिमाइंडर करता हूँ, कराता हूँ। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस वगैरह देखते हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम तमर केमिस्ट्री क्लासेस ही हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो आपको दे रखा है, या फिर टेलीग्राम पे आप जाइए और तमर केमिस्ट्री क्लास है उसको टाइप करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस ग्रुप में आपको प्रैक्टिस के लिए जितने क्वेश्चन जो होते हैं रेगुलरली आपको क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर जो है प्रैक्टिस के लिए मैं आपको असाइनमेंट जो है वहाँ पर दूंगा, और भी आपको कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसको आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। तो ये आपके लिए है, तो आप इसको ज्वाइन करिएगा। और इसके साथ ही जो है अधिक से अधिक जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।